Hello everybody, this is Khushi Singh and you are watching on CSP Institute channel. So what we learned in previous lecture, we saw flip-flops, okay? Humne SR padha, JK padha, D padha and T padha. Aur humne wahin pe race around condition padhi JK ki kisme master slave JK flip-flop, right? हमने फर्दर इनकी ट्रुथ टेबल देखी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखी एंड एक्साइटेशन टेबल देखी, राइट? ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर किसी ने वॉच नहीं करा तो वॉच कर ले, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल पे बेस्ड होगा. सो हम आज करने क्या वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू सी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स. ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन, राइट? Like, if I have to convert SR to JK, T in any other flip-flop, okay, even JK to SR, DT, we have basic four flip-flops, right? So, total conversions apni kitni hongi? Total flip-flop conversions kitni hongi? Har ek flip-flop hamari three conversions kar sakta, right? So, total flip-flop conversions are 12. If I see from exam point of view, then this topic is very important, okay? If you see like competitive exams, then 2 to 3 questions from these topics are mandatory. So, हम आज अपना flip-flop conversions देखने वाले हैं. Okay. तो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, ठीक है, अब हमें पता तो चल गया हमें एक को, एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, बट करेंगे कैसे? उसके लिए क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे आइडेंटिफाई अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप. इसका मतलब क्या? लेट्स से मुझे SR टू JK करना है. ओके, तो मेरा SR क्या होगा? जो मुझे दे रखा है अवेलेबल. और JK क्या होगा? जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, जो कि रिक्वायर्ड है. ओके, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप. अब जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी हमें क्या बनानी है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल. ओके, मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप. अब क्या करना है हमें? अब हमें अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की क्या करनी है? एक्साइटेशन टेबल बनानी है. फिर then write boolean expression for available flip-flop, draw circuit. अच्छा, अब ठीक है, हमने steps तो पढ़ लिए, पर लेकिन आगे कैसे याद रहेगा? क्वेश्चन ये देखो, let's say ये person A है and ये person B है. ओके, इस person A को person B की कोई चीज अच्छी लगी. person A चाहता है मैं इसकी habit ये वाली लूँ, ठीक है, मुझे adopt करनी है. तो पर्सन ही किस चीज से लाइक होगा इन्फ्लुएंस? उसके कैरेक्टर से, राइट? बी का कैरेक्टर अच्छा होगा जबी तो ए बी में कन्वर्ट होना चाह रहा होगा, है ना? अब ए को हम बी में कन्वर्ट करें, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? बी का हमें कैरेक्टर पता होना चाहिए. इसलिए जिस भी फ्लिप फ्लॉप को हमें जिसमें कन्वर्ट करना है, पहले सबसे पहले उस फ्लिप फ्लॉप का हमें कैरेक्टर पता होना चाहिए. अब जब हम किसी दूसरे में चेंज होना चाहते हैं, उसका कैरेक्टर देख के तो हम एक्साइट हो जाते हैं, यार उसमें तो वो चीज अच्छी है, मुझे वो चीज लेनी है, राइट? यही होता है. तो फिर क्या कर रहे होंगे हम? पहले जिसमें हमें बदलना है हम उसका कैरेक्टर लिखेंगे और फिर हम अपनी एक्साइटेशन बता रहे होंगे. इतने में किसी को कोई डाउट? समझने में कोई दिक्कत? अब देखो, ठीक है कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी है, एक्साइटेशन टेबल लिखनी है, समझ आ गया तुम्हें, पर लेकिन अब तक क्या हुआ था? अब तक कुछ ऐसा हुआ था कि भाई तुम ट्रुथ टेबल निकालते थे, फिर ट्रुथ टेबल की हेल्प से आराम से क्या निकल जाती थी? कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकल जाती थी. फिर उसकी मदद से आराम से क्या निकल जाती थी? एक्साइटेशन टेबल, जब हम एक फ्लिप फ्लॉप की किसी की भी बात कर रहे होते थे. बट यहाँ पे अलग अलग फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो फिर भी हम निकाल लेंगे, वो इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि हमें पता होगा वो 0 स्टोर करेगा, 1 स्टोर करेगा, टॉगल करेगा या प्रीवियस स्टेट को स्टोर करेगा, ये हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे. पर एक्साइटेशन टेबल में हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट चाहिए होती थी, राइट? अब उसके आगे फिर हमें इनपुट्स निकालने होते थे, तो वो मुश्किल होगा कि हम कैसे करें. देखते हैं. देखो,
तुम अगर इन कन्वर्जेंस के क्वेश्चन में पहले ट्रूथ टेबल, फिर कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन निकालने लगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहेंगे, हम अपनी एक्साइटेशन टेबल का थोड़ा इजी सा मेथड देखते हैं। ओके, अब देखो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दो इनपुट हैं। कितने केसेस बनेंगे, 4, राइट। अब देखो हमेशा याद रखना एस जो होता है वो हमारे नेक्स्ट स्टेट के इक्वल होता है, मतलब 0, 1, 0, लास्ट में डोंट केयर। अब जो तुमने ये ऐसे लिखा है इसका उल्टा लिख दो आर में, डोंट केयर 0, 1, 0। जे के, जे सिमिलर होता है एस से पर लेकिन उसमें दो डोंट केयर आता है, 0, 1, डोंट केयर, डोंट केयर। अब उल्टा लिख दो, डोंट केयर, डोंट केयर, 1, 0। इजी स्टेप। डी हमें पता है क्या करता है, हमारे नेक्स्ट स्टेट को ही स्टोर करता है, तो क्या आ जाएगा, 0, 1, 0, 1। और टी हमारा क्या करते है, अगर जीरो होगा तो वो जीरो ही लिखेगा, जीरो होगा तो जो हम जीरो होगा तो क्यू एन लिखेगा और वन होगा तो टॉगल कर देगा, ऐसा ही होता है। तो जीरो था तो हमने अपनी प्रीवियस स्टेट ही लिखी, राइट, जीरो था प्रीवियस स्टेट लिखी, वन था टॉगल कर दिया और वन था तो टॉगल कर दिया, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत की, एक्साइटेशन टेबल हमने कैसे लिखी, अगर कोई भी दिक्कत हो जस्ट एक बार थोड़ा सा पीछे करो, आराम से समझ आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताया है, सारी कन्वर्जेंस पॉसिबल हो जाएंगी। ओके, अब आगे लेक्चर में मैं सारी कन्वर्जेंस करवा रही हूँ, टोटल 12 की 12, पर लेकिन तुम अगर तीन कन्वर्जेंस भी, दो या तीन कन्वर्जेंस ध्यान से देख लोगे उसी में तुम पूरा टॉपिक कर लोगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो पर्टिकुलर उस कन्वर्जन को जाके देख लेना, ठीक है, पहले बेसिक आइडिया ले लो कि कैसे हर एक कन्वर्जन वर्क कर रही है। अब मुझे SR टू D फ्लिप फ्लॉप करना है। ओके, लेट से एक मैंने एग्जांपल ले लिया कि मुझे SR को D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है, मैं अपना इनपुट देती हूँ, प्रेजेंट स्टेट देती हूँ और आउटपुट लेती हूँ, यही होता है। मतलब ये मेरी इतनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। और मेरी एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, Qn, Qn प्लस 1, SR, और ये मेरी क्या हो गई, एक्साइटेशन टेबल हो गई। इसे मैं अलग अलग करके लिख रही होती तो मैंने एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत। ओके, तो सबसे पहले जब मैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख रूंगी, मेरे पास दो इनपुट हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, राइट। अब नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इनपुट पे, हमारा जो भी इनपुट होगा तो क्या हो गया, 0, 0, 1, 1, राइट। अब देखो अभी हम देख के आ रहे हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ऐसा केस है तो क्या होगा, 0, क्यू एन प्लस 1 के इक्वल होता है एस, तो 0 डॉन्ट के और फिर उल्टा लिख दो 0, 1, 0, तो एस किसके इक्वल होगा, क्यू एन प्लस 1 के, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0, 1 डॉन्ट के और फिर ये क्या आ गया, डोंट केयर 1, 0, 0। इतने में किसी को डाउट कि हमने कन्वर्जन टेबल कैसे लिखी, इसे हम कन्वर्जन टेबल बोलते हैं। इजी था, पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखी फिर हमने एक्साइटेशन टेबल लिखी। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम कर रहे होंगे, अब हम के मैप बना रहे होंगे। ओके, अब कैसे बनाएंगे देखो, देखते हैं। मैं एक के मैप बना रही होंगी किसके लिए, 4S, और एक मैं बना रही होंगी 4R। जब मैं S के लिए बना रही होंगी तो मेरा पता है मुझे टू वेरिएबल है, 0, 1 टू वेरिएबल है, DNQN, तो मेरा 4 सेल बनेगा 0, 1, 0, 1, राइट। इतने में किसी को कोई डाउट, अब देखो ये कैसे बनेगा, 0, 0, 1 डोंट केयर, ऐसे ही फिल होगा, सेम R में मैं फिल कर दूंगी अपना क्या, DQN, 0, 1, 0, 1, डोंट केयर 1, 0, 0। इतने में किसी को कोई डाउट। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे इनकी ग्रुप फॉर्मेशन हो रही होगी। तो अब आप देख रहे हो कि मैप में हम ग्रुप फॉर्मिंग करते हैं, लाइक नंबर ऑफ वंस को हम करते हैं 2 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में, और यहाँ पे हम डोंट, इसे ये दोनों ग्रुप हो गए, राइट। इतने में किसी को कोई दिक्कत।
अब देखो जब मैंने इसे ग्रुप करा तो ये s इज इक्वल टू क्या आया, d हमारा सेम रहा है 1, d 0 से 1 ये चेंज हो गया तो qn की कोई वैल्यू नहीं आएगी। सेम इधर क्या r किसके इक्वल आया, d कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 है, qn 0 से 1 चेंज हो रहा है, 0 से 1 चेंज हो रहा है तो लिखेंगे नहीं, और d 0 है तो d बार। इतना समझ में आया कि ये कैसे लिखा। अब देखो SR हमारा क्या फ्लिप फ्लॉप था जो कि अवेलेबल था, D हमारा रिक्वायर्ड था, मतलब SR फ्लिप फ्लॉप तो मुझे गिवन था, कुछ ऐसा ही था, ये मुझे S है, ये मेरा R है, और लेट से मेरी इधर कोई क्लॉक होगी राइट, और ये मेरा QN है और ये मेरा QN कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे ही हमारा फ्लिप फ्लॉप बनता था। अब वो कह रहा है जो D है वो तो S के इक्वल है, मतलब D क्या है S के इक्वल है, और जो R है वो क्या है D का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या नॉट गेट लगा दूं इधर, क्या ये अब हमारा D फ्लिप फ्लॉप बन गया फ्रॉम SR फ्लिप फ्लॉप राइट। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट आया हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हाँ ये डाउट है ओके। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एस आर का एक करवा रही हूँ पहले तुम्हें, फिर जेके का एक करवा रही हूँ, डी का एक करवा रही हूँ और टी का एक करवा रही हूँ, उसके बाद उनका ही मैं सारे करवा रही हूँ, सो तुम्हें आइडिया हो जाए और तुम खुद भी करने लग जाओ ओके। अब देखो अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप का करेंगे, जेके टू टी फ्लिप फ्लॉप। अब हमें पास क्या है, टी है हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, इसकी क्या लिख रहे होंगे हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल ओके, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं ना ओके। अब देखो अब हमें पता था इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती थी, 0 है तो प्रीवियस स्टेट स्टोर करेगा, 0 है तो प्रीवियस स्टेट स्टोर करेगा, 1 है तो टॉगल कर देगा, 1 है तो टॉगल कर देगा, यही था ओके। अभी हम देख के आ रहे हैं क्या होता है ये 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 पे क्या हमारा जे आ रहा होता है, 0 1 डोंट केयर 1 0 राइट। तो उस तरह से हम इस टेबल को फिल कर दे, 0 डोंट केयर, 1 1 पे हमारा क्या है डोंट केयर है, 0 1 पे हमारा क्या है 1 है, और 1 0 पे हमारा क्या है डोंट केयर राइट। अब इसे भी फिल कर दे, ये क्या हो जाएगा डोंट केयर 0 डोंट केयर 1, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे देखते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं फोर जे के लिए और फोर के लिए, अब हम अपनी इक्वेशन निकाल रहे होंगे राइट। जब मैं जे के लिए निकालूंगी तो वही टू वेरिएबल्स हैं, तो फोर सेल के मैप, ये क्या हो गया टी, ये हो गया क्यू एन, ये 0 1 0 1, 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, ऐसे ही बनेगा। अब के लिए भी आप आसानी से बना सकते हो, के लिए कैसे बनेगा टी क्यू एन 0 1 0 1 राइट, डोंट केयर 0 डोंट केयर 1। अब देखो अब आपका एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुपिंग आपने ये करी और इसमें आपकी एक ग्रुपिंग ये हुई। अब इक्वेशन देखते हैं इक्वेशन क्या आएगी, यहां पे देखो j इज इक्वल टू क्या आ रहा है t, और इधर क्या आ रहा है इधर k इज इक्वल टू भी t आ रहा है, मतलब j भी t के इक्वल है और k भी t के इक्वल है। तो अब तुम इसे इम्प्लीमेंट आराम से कर दोगे, तुम्हें पता है jk को t में लेके जाना है, मतलब jk तो मुझे गिवन है, सॉरी बस वन मिनट, इसका यही मतलब है इधर qn, इधर qn कॉम्प्लीमेंट, इधर हमारी क्लॉक होगी और इधर हमारा क्या होगा J और इधर K। अब वो कह रहा है J भी T के इक्वल है, K भी T के इक्वल है, तो मैं इधर एक T ले लूँ और उसे मैं J से जॉइंट कर दूँ और K को मैं J से जॉइंट कर दूँ, क्या ये अब मेरा T फ्लिप फ्लॉप बन गया राइट फ्रॉम J के, समझ में आया ओके। अब हम एक और नेक्स्ट लेते हैं डी टू टी, जब हमें डी फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप में जाना है तो हम टी की पहले क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल ओके,
01000011011. अब हमें पता है 0 होगा प्रीवियस स्टेट स्टोर, 1 होगा टॉगल करेगा, इतने में किसी को डाउट? 00011011. इन चारों केसेस में अपना अब होता क्या था? अगर हम डी की वैल्यू देखें तो डी ऐसे स्टोर करती थी 0101, राइट? अब ये क्या हो रहा होगा? 0110, है ना? इतने में किसी को कोई डाउट? क्योंकि डी हमारे इनपुट को ही स्टोर कर रही होती है, 0110, 11 पे 1 है, ये हमने कर दिया। अब हम अपनी डी के लिए इक्वेशन लिख दें, के मैप बना लें। फॉर डी क्या के मैप बनेगा? टू वेरिएबल्स है हमें पता है, दो वेरिएबल है तो फोर सेल के मैप बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी क्यू एन 0101, राइट? क्या क्या वैल्यूज हैं? 0110। ये देखो अब ग्रुपिंग कैसे हो रही है यहाँ पे, एक ये वन एक ये वन। ये हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने पढ़ा था, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं? जब सारे वन अलग अलग ग्रुप हो रहे होते हैं और एक पैटर्न बना रहे होते हैं ऐसे, उसे बोलते हैं हम चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? इसका रिजल्ट जो भी इनपुट्स हैं उनका एक्सोर कर दो, ए एक्सोर बी, ठीक है, एक्सोर सी, इवन और ज्यादा इनपुट है तो। अब यहाँ पे हम वैसे भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। यहाँ पे डी किसके इक्वल होगा? टी, और यहाँ पे क्यू एन जीरो है, क्यू एन बार प्लस, यहाँ पे टी जीरो है इधर, तो टी बार क्यू एन। और हमें पता है ए बी बार प्लस ए बार बी किसका फॉर्मूला होता है? टी एक्स और क्यू एन। अब इसका इंप्लीमेंट करके देखते हैं, अब इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, राइट? अब देखो सबसे पहले हमें डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा था, तो मैं डी फ्लिप फ्लॉप बना दूं। ये मेरी क्लॉक होगी, ये मेरा डी है, और यहाँ पे मेरा क्यू एन आ रहा होगा, और ये मेरी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होगी। अब देखो टी एक्स और क्यू एन, मतलब मुझे क्यू एन की जरूरत है, राइट? तो क्या मैं क्यू एन यहाँ से ले लूँ ऐसे करके? सॉरी, ठीक है, मैंने क्यू एन लिया, और अब मैं क्या कर रही हूँ? क्यू एन और टी हमें दोनों चाहिए और उनका एक्सोर करना है। क्या समझ में आया? हमने क्या करा? हमें पता है डी किसके इक्वल है? टी एक्सोर क्यू एन। तो हमने टी लिया, क्यू एन लिया, उनका एक्सोर किया, और उसे हमने किसमें? डी को दे दिया। ये अब हमारा क्या हो गया? टी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम डी फ्लिप फ्लॉप। इतने में कोई दिक्कत? समझ में आया? ओके, अब इससे नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमारा एक टी फ्लिप फ्लॉप का केस रह गया कि भाई एक टी फ्लिप फ्लॉप का भी केस कर लेते हैं। अब टी फ्लिप फ्लॉप को हम एस आर में बदल रहे हैं, एस आर की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एस आर क्यू एन, थ्री इनपुट, एट केसेस, राइट? 00001111, 0011. अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो, बहुत आसान टॉपिक है, खुद से भी करके देखना है ये, ठीक है, जब भी समझ में आएगा आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, अब हमें पता है एस आर में, याद होगा, 00 होता था तो क्या होता था? प्रीवियस स्टेट ही स्टोर करते थे, राइट? 11 होता था तो इनवैलिड स्टेट हो जाती थी, राइट? 01 हो जाता था तो रीसेट की वैल्यू, तो 0 हो जाती थी, रीसेट जब 1 है तो 0 हो जाएगा, और जब 10 है, सेट हम जब 1 कर रहे हैं तो 1 हो जाता था, कुछ ऐसे ही था। ओके, तो अब हम इसे फिल करते हैं, ठीक है? जब 00 है तो प्रीवियस स्टेट स्टोर होगी, मतलब 0, 00 है तो 1, 01 है तो क्या होगा? 0, 0, 01 है तो क्या होगा? जो भी 01 है तो 0 ही स्टोर होगा, डिपेंड नहीं करता प्रीवियस स्टेट क्या है, 1, 10 पे डिपेंड नहीं करता हमारी प्रीवियस स्टेट क्या है, 1 ही होगा हमेशा, 1, 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनवैलिड,
इनवैलिड। इतने में किसी को कोई डाउट कि हमने कैसे लिखा, अगर है थोड़ा पीछे देखो या वरना लास्ट वाला लेक्चर देखो, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अब टी फ्लिप फ्लॉप, पता है हमें 0001 1011 में टी फ्लिप फ्लॉप का क्या एक्साइटेशन टेबल होती है, 0110, राइट। तो अब तुम लिख दोगे 0001 10, डोंट केयर। इतने में कोई दिक्कत? अब हम अपने 4T के लिए हम क्या करेंगे, के मैप लिखेंगे, राइट। जब तुम्हारा इतना पूरा हो जाएगा तो इस बार हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 8 सेल के मैप बनेगा। अगर इस के मैप वाले टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वाली सीरीज देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा। या लॉजिकल मिनिमाइजेशन, दोनों में बताया गया है, दोनों में कम हो जाएगा क्लियर ये वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एस आर क्यू एन 0100011110, ऐसे ही होगा। अब फिल करते हैं 0001 10, डोंट केयर, कुछ ऐसे ही है, राइट। अब हम इनकी ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग कर रहेंगे तो देखो क्या ग्रुप बन रहेंगे, कहाँ कहाँ पे ग्रुप बन रहा है। एक ये 11 का ग्रुप बन रहा है, एक ये ग्रुपिंग बन रही है, राइट। यही दो ग्रुप बन रहे हैं, हमारे सारे वन क्लब हो रहे हैं। अब हम टी के लिए इक्वेशन लिखते हैं। टी के लिए इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू, सबसे पहले इस वाले के लिए लिखते हैं एस, राइट, क्योंकि वन है यहाँ पे, जीरो से वन आर चेंज हो रहा है और क्यू एन जीरो ही है, तो एस क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस। यहाँ पे देखो एस तो जीरो से वन चेंज हो रहा है, आर और क्यू एन है, आर क्यू एन हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन सब अच्छे से लिखना जानते ही हैं, ठीक है। अब देखो अब हम इसे क्या कर रहेंगे, इम्प्लीमेंट कर रहेंगे। अब हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप दे रखा था, राइट, तो मैं पहले टी फ्लिप फ्लॉप बना लूं। क्यू एन कॉम्प्लीमेंट टी क्लॉक, ओके। अब क्या है, एस क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के साथ हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, तो मैं क्यू एन कॉम्प्लीमेंट यहां से ले लूं, राइट। अब उनका भी हमें और करना है, तो मैं इसे यहां ले लेती हूं थोड़ा, और मुझे एस और क्यू एन का क्या करना है, एंड करना है, तो मैंने एस और क्यू एन का क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब क्यू एन चाहिए मुझे आर के साथ, तो मैं ये यहां से ले लूं, राइट। एंड करना है मुझे क्यू आर और क्यू एन का, ये मैंने कर दिया। अब इन दोनों का आर टी के इक्वल है, तो मैंने इन दोनों का क्या करा, और कर दिया। और जैसे ही मैंने इन दोनों का और करा और फिर उसे टी में प्रोवाइड कर दिया, समझ में आया। ये थोड़ा बड़ा सर्किट डायग्राम था, अब तक छोटे थे, कि हम कैसे अपने टी फ्लिप फ्लॉप को एस आर को कर रहे होंगे, टी फ्लिप फ्लॉप को एस आर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इतने में कोई डाउट, अच्छे से समझ में आया? इसके बाद मैं रिकमेंड करूंगी तुम्हें, अब तुम खुद से ट्राई करो, क्योंकि जो भी टॉपिक था, मतलब जो समझने वाली चीज थी वो फिर भी समझ आ गई होगी। सारे फ्लिप फ्लॉप को ऐसे ही कन्वर्ट करना है एक से दूसरे में, बहुत आसान है, और वैसे सारे मैं करवा ही रही हूँ। अब पहले हम टी वाले ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अब दूसरा केस, हमने टी टू एस आर कर लिया, राइट, अब हम कर रहे हैं टी टू जी के। अब हमने यहाँ पे क्या है, अपने केसेस लिख रखे हैं। अब हमें जेके के केस में भी पता है क्या होता है, 0 0 है तो प्रीवियस स्टेट, 0 1 है तो 0 1 0 है तो 1, और 1 1 है तो टॉगल करता है, ये हमें पता है ना। तो ओके, हम फिल कर लेते हैं अब अपनी कैरेक्टरिस्टिक टेबल।
जेके वाली ना, ओके 00, तो ये क्या हो गया 0001 0100 0100 101 101 11, क्या करेगा टॉगल करेगा, तो 0 का 1 हो गया, 11 क्या करेगा टॉगल करेगा 0। अब तुम्हें पता है एक्साइटेशन टेबल का क्या है, 011011, तो एक्साइटेशन टेबल क्या आएगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0110। अब तो याद हो गई होगी राइट, तो एक्साइटेशन टेबल अगर नहीं भी हुई है टेंशन मत लो, जैसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। तो टी फ्लिप फ्लॉप में अब क्या आ जाएगा यहाँ पे जेके में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 0 0, ओके 1 1 0 1 1, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं ना, ओके अब हम अपने के मैप बना लेते हैं, किसके लिए के मैप फॉर टी, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो कितनी सेल के मैप बनेगा, 8 सेल, ये क्या हो गया जे, ये यहाँ पे क्या हो गया के क्यू एन, 0100 0111 10। अब देखो फिल करें हम इस वाली टेबल को इधर, 0001 1 0 1 1, कि मैं फिल करना आता है ना अच्छे से, कि हम थर्ड वाले को इधर भेजते हैं देन फोर्थ वाले को इधर, ओके अब हम ग्रुपिंग करते हैं कि हमारी ग्रुपिंग कैसे हो रही होगी। ये 1 1 ग्रुप कर रहा है राइट, अभी प्रीवियस वाले में भी सेम हो रही थी, अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, टी इज इक्वल टू क्या है ये देखो, जे और के 0 से 1 चेंज हो रहा है तो क्यू एन बार प्लस ये क्या हो गया के क्यू एन, ये जैसे हमने एसआर में कन्वर्ट करा था सेम वही फॉर्मूला निकल के आया है। तो अब तो तुम इसे आराम से जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दोगे, क्या है तुम्हारा ये ऐसे हो जाएगा, तुमने पहले टी फ्लिप फ्लॉप बनाया, क्यू एन क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ये टी है ये यहाँ पे क्लॉक है राइट, इतने में कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है के और क्यू एन करना है, तो मैं यहाँ से क्या लाऊंगी क्यू एन लाऊंगी राइट, उसे मैं के के साथ क्या करवाऊंगी एंड, सेम क्यू एन कॉम्प्लीमेंट चाहिए अब हमें, अब मैं यहाँ से क्या करूंगी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट लाऊंगी, सॉरी ये देख लेना ठीक है। अब मुझे उसे किसके साथ करवाना है, जे के साथ, तो मैंने यहाँ पे जे लिया, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट को जे के साथ मैंने एंड करवा दिया, अब इन दोनों को क्या करवाना है और, मैंने इन दोनों को और करवा दिया और उसे टी में दे दिया, ये हमारा क्या हो गया जे के फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम टी फ्लिप फ्लॉप। इतने में किसी को कोई दिक्कत, आराम से समझ में आया, बहुत ईजी टॉपिक है, ओके टॉपिक है सॉरी। अब लास्ट हमारा रहता है टी टू डी, अब हमने ये लिख लिए 2 वेरिएबल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए, 2 इनपुट लिख लिए, तो ये क्या आ रहा होगा टी टू डी जब हम कर रहे होंगे, हमें पता है इनपुट को स्टोर करता है 0010। अब टी में क्या आ रहा होगा पता है तुम्हें, फिर दोबारा ये क्यू एन प्लस 1 को स्टोर करता है, ये हमारा क्या कर रहा होगा एक्साइटेशन टेबल लिखनी है, तो ये हमारा एक मिनट रुको, तो हमें पता है 0001 1011, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है 0101 राइट, हाँ तो हमने क्या करा लिख दिया अपना 0010 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ओके अब देखो अब इसके बाद हम क्या लिख रहे होंगे 4T, हम क्या लिख रहे हैं के मैप, ओके अब देखो 4T के लिए हम क्या लिखेंगे अपना के मैप लिखेंगे, 2 वेरिएबल्स है इधर तो 4 सेल के मैप बनेगा बस, और यहां पे हमारा क्या हो गया डी और इधर हमारा क्या हो गया क्यू एन, इतने में किसी को कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे हमें सॉरी इधर हम डी की नहीं लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल, इधर हम क्यू की उसकी लिख रहे होंगे टी की, ओके अब ये 0 1 हुआ,
अब देखो 0 1 1 0। अब हमारा यहाँ पे तुम्हें दोबारा दिख रहा है, ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है हमारी, चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब तो तुम्हें सीधा ही पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, वही होगा जो हमारे इनपुट्स हैं उनका क्या कर दो, एक्सोर कर दो, डी एक्सोर क्यू एन। तो ये तो सिंपल तुम आराम से कर दोगे। यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा क्यू एन, इधर क्या हुआ क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, इधर क्या आया टी, इधर क्या आया क्लॉक, और डी एक्सोर क्यू एन है। तो तुम क्यू एन को कहोगे अरे भैया आ जा, और डी को लिया, और इन दोनों को क्या करोगे एक्सोर, और कहोगे तू टी के पास चला जा। अब ये हमारा क्या बन गया, डी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम टी फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे यहीं पे टी से सारे कन्वर्जन खत्म होते हैं, एस आर जे के डी, ये तीनों हमारे कवर होता है। होप सो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ आया होगा, अगर हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ओके प्रीव्यू, ओके अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम डी टू, अब हमने पहले क्या देखा था डी टू टी देख लिया था, ओके डी टू टी हम करके चुके थे, अब हम क्या कर रहे हैं डी टू एस के। अब देखो तुम्हें पता है एस आर का लिख रहे हैं जब हम, तो क्या होगा 0 0 प्रीवियस स्टेट, क्योंकि इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होगी जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं। 0 1 0 1 0 1 1 1 इनवैलिड, इतने में तो किसी को डाउट नहीं है ना कि ये कैसे लिखा, अगर है तो जाओ देखो इससे पहले वाला वन शॉट। अब देखो जब हम डी टू एस आर कर रहे हैं तो अब ये क्या आ जाएगा 0 1 0 0 1 1 इनवैलिड इनवैलिड, यही आएगा, गलत तो नहीं लिखा। ओके सही है। अब डी का क्या आएगा वो भी हमें पता है 0 1 0 0 1 1 राइट, और ये इनवैलिडी नेक्स्ट स्टेट को स्टोर कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट। अब हम अपने डी के लिए क्या लिख रहे होंगे, के मैप, थ्री वेरिएबल्स हैं तो 8 सेल के मैप, एस आर क्यू एन 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो डी के लिए 0 1 0 0 1 1 डोंट केयर डोंट केयर, इतने में किसी को कोई दिक्कत कि हमने कैसे करा, नहीं। अब हम ग्रुपिंग करते हैं, एक ग्रुप तो हमारा ये बन रहा है और हम वन का कोशिश करते हैं सबसे बड़ा ग्रुप बने, तो देख रहे हो एक ग्रुप ये बन रहा है राइट। अब डी किसके इक्वल होगा, सबसे पहले इस बड़े वाले ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं ठीक है। एस अब देखो इसमें 0 से भी 1 चेंज हो रहा है, 1 से दोनों चेंज हो रहा है, ये 0 से 1 हुआ, ये यहाँ पे 1 से 0 हुआ, तो आर और क्यू एन की कोई टर्म नहीं आएगी, प्लस इसके लिए एस तो चेंज हो रहा है 0 से 1 बट आर बार क्यू एन आएगा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई डी टू एस आर में। ओके अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी भाई, हमें हमारे पास कौन सा है, डी फ्लिप फ्लॉप है सबसे पहले, तो हम क्या कर रहे होंगे डी से कर रहे होंगे, ये क्यू एन हुआ, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब देखो टी किसके इक्वल है, एस प्लस आर बार क्यू एन है ना, मैंने यहां से क्या लिया क्यू एन लिया, इसे ऐसे कर देना कि भाई वायर, तो क्या मैं अपना क्यू एन दे दिया मैंने इसे, और देखो आर कैसे जा रहा है हमारा नॉट होके, तो ये मैंने आर दे दिया, इन दोनों को मैंने एंड कर दिया, इतने में कोई दिक्कत। अब मुझे और करना है किसके साथ, एस के साथ, तो मैंने ये क्या करा और कर दिया एस के साथ, और ये मैंने किसको दे दिया डी को दे दिया।
इतने में किसी को कोई दिक्कत समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे करा है, हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को कैसे ले आए हैं किससे, डी फ्लिप फ्लॉप से। इसमें कोई दिक्कत, हमने आर कॉम्प्लीमेंट करा, यहाँ से क्यू एन लिया, फिर उसका और कर दिया एस के साथ। अब हमारा एक और केस रहता है राइट, वो है हमारा डी टू जे के। फिर इसके बाद अब हमारा डी टू एस आर हो गया, टी हो गया, और अब हम जे के भी कर रहे हैं। अब देखो जे के का भी तुम्हें पता है, जीरो जीरो क्यू एन, जीरो वन जीरो, वन जीरो वन, वन वन क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। इसमें तो किसी को अब डाउट होगा ही नहीं, अभी भी ये सारी चीजें आ गई होंगी, तो हम सीधे लिख दें इधर जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो राइट, क्योंकि ये टॉगल करेगा। इतने में कोई डाउट? अब डी फ्लिप फ्लॉप के लिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेट ही सेम होता है, जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो। अब फोर डी हम क्या करेंगे, के मैप लिखेंगे राइट। टी के क्यू एन, जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो, जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो। इतने में किसी को डाउट कि हमने कैसे लिखे? अब तुम लोग ग्रुपिंग कर रहे होगे, बस ये वन वन हो जाएगा और एक ये हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे डी किसके इक्वल आ रहा होगा, जे क्यू एन बार, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन राइट। अब देखो ये तो हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कई बार, फिर भी देख लेते हैं एक बार। अब तो इसे इम्प्लीमेंट करने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। डी फ्लिप फ्लॉप हमें क्या करना है, लेना है अपना क्यू एन, क्यू एन बार, डी फ्लिप फ्लॉप, और ये क्या है हमारी क्लॉक राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जे क्यू एन बार हमें लेना है, उसका एंड लेना है, हो गया। के बार क्यू एन, क्यू एन मैं यहां से मंगवा लूं, और के बार लेना है तो मैं एंड ले लूं के का, इसका एंड कर दूं, इनका और करूं और डी में दे दूं। क्या ये मेरा फ्लिप फ्लॉप बन गया, डी फ्लिप सॉरी जेके फ्लिप फ्लॉप राइट फ्रॉम टी फ्लिप फ्लॉप। अब इतने में किसी को कोई दिक्कत, हमने डी और टी के दोनों के सारे पूरे कर लिए हैं। अब हम जल्दी से एस आर और जेके के भी पूरे कर लेते हैं। अब सर्किट डायग्राम्स आप ही लोग बना रहे होंगे, बस मैं डिस्कस कर दूंगी कि एक्साइटेशन टेबल होगी और क्या इक्वेशन आ रही होगी ठीक है। अब तुम्हें पता ही है ऐसा जब जीरो जीरो है तो हमारा क्या हो रहा होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है इतनी बार। जीरो वन जीरो जीरो वन वन एस आर है तो क्या होगा, इनवैलिड स्टेट होंगी जब वन वन है। अब इसके लिए हमें जेके को लिखना है, जेके को हम कैसे लिखते थे याद है, जीरो देख लो, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। इसके लिए क्या होता था, ये जीरो वन डोंट केयर डोंट केयर जे होता था, और के हमारा क्या होता था, डोंट केयर वन जीरो। तो अब तुम उसी तरह लिख दोगे इसे ठीक है। तो ये क्या आएगा, जीरो डोंट केयर, जीरो डोंट केयर, हाँ हमारा वन जीरो भी डोंट केयर होता था ना, जीरो डोंट केयर, जीरो डोंट केयर वन, डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर। तो हमारा के क्या आएगा, डोंट केयर जीरो डोंट केयर वन डोंट केयर जीरो डोंट केयर डोंट केयर। इतने में कोई दिक्कत समझ आ रहा है, यहाँ से लिख लिया जीरो 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 वन वन जीरो वन वन पे क्या है। अब फोर जे के लिए एक बना रहे होगे और फोर के लिए एक बना रहे होगे, इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। और दोनों के लिए क्या बनेगा, एट सेल के मैप बनेगा क्योंकि थ्री वो है इनपुट्स, वन टू थ्री फोर। एस आर आर क्यू एन हमारे क्या जा रहे होंगे, जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो। ओके सेम के लिए, एस आर क्यू एन
01001110. अब देखो जे की ट्रूथ टेबल फिल करता है 0, के मैं फिल करता है 0 0, टॉन्ट किया 1, टॉन्ट किया टॉन्ट किया। अगर किसी को के मैप फिल करना नहीं आता ना, बहुत आराम से देखो कि मैं ऐसे डाउन चल रही हूँ और ऐसे 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 लिख रही हूँ, फिर मैं सीधे इधर आ रही हूँ, फिर इधर इधर लिख रही हूँ, ओके। अगर किसी को नहीं आता है इनकेस, देखो अब डोंट केयर 0, डोंट केयर 1, डोंट केयर 0, डोंट केयर डोंट केयर, ओके ये हो गया। अब हम क्लबिंग करते हैं। देखो यहाँ पे मेरा ये हो रहा है, एक सिर्फ ये हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जे किसके इक्वल आ गया, एस के इक्वल। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरा ये हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा के किसके इक्वल आ गया, 0 से 1 ये चेंज हो रहा है, ये 1 से 0 चेंज हो रहा है, तो एस के किसके इक्वल आ गया, आर के। तो बहुत सिंपल बन गया ये, तो ये है हमारा जेके है हमारे पास, जेके को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम जे को सिंपल एस से कनेक्ट कर देंगे और के को सिंपल आर से कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा क्या है, क्लॉक है, ये हमारा क्यू एन है और ये हमारा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है। इतने में किसी को कोई दिक्कत की, कैसे हुआ, आसान था, ओके। इससे नेक्स्ट अब हम एक और कर रहे होंगे जेके टू डी, हमारा लास्ट जेके भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हम जेके टू डी कर रहे होंगे, अब हमें पता है डी में क्या, क्यू एन प्लस वन में क्या स्टोर हो रहा होगा, हमारा इनपुट, राइट। अब हमें इनका भी पता है, 0 0 पे जे क्या होता है, 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, और के क्या आएगा हमारा, डोंट केयर 1 डोंट केयर 0 0 0। किसी को कोई भी डाउट हो अपने साइड में लिख लिया, अब तुम्हें रिजल्ट पता ही है क्या आएगा, ये होता है, ठीक है। अब हम 4J और 4K क्या कर रहे होंगे, के मैप कर रहे होंगे, टू वेरिएबल्स हैं तो टू सेल के मैप, डी क्यू एन 0 1 0 1, 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डी क्यू एन 0 1 0 1, डोंट केयर 1, डोंट केयर 0। ग्रुपिंग कर दें, एक ये ग्रुप बन रहा है, एक ये ग्रुप बन रहा है, राइट। अब तो जल्दी जल्दी चीजें दिखनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, जे इज इक्वल टू डी हो गया, क्योंकि डी है ये 0 से 1 चेंज हो रहा है। यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। अगर इसे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है तो ये क्या हो गया, ये जे, ये की, ये के, ये क्यू के, ये क्यू एन, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है हमारा, डी किसके इक्वल है, डी जे के तो इक्वल है और के क्या है, नॉट है। और जैसे ही तुमने ये कर दिया, ये तुम्हारा क्या बन गया, डी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम जे के फ्लिप फ्लॉप। अब जे के से भी हमने एस आर और हमारा डी और टी हमने ये तीनों कर लिए। होप सो इसमें भी किसी को दिक्कत ना हो। बस अब हमारे एस आर के 2 रहते हैं, एस आर टू डी हमने कर ही चुके हैं, अब हम एस आर टू टी कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमें क्या करना है, एस आर को टी में करना है, तो हमें टी की क्या लिखनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और फिर बाद में एस आर की क्या लिखनी होगी, एक्साइटेशन टेबल। जब टी की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी है, तो हमें पता है क्या, टॉगलिंग वाला बिहेवियर आएगा, तो 0 1 1 0, हमें पता है 0 0 पे क्यू एन शो करता है, और 0 जैसे ही 0 0 होता है तो, हाँ जैसे ही हमारा, अगर टी हमारा 0 है तो वो क्यू एन स्टोर करेगा, और जैसे ही टी हमारा 1 है तो वो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट स्टोर करेगा। तो वो सब है। अब हमें इसका भी पता है एस और आर कैसे वेरी करते हैं, तो मैं सीधे लिख देती हूँ 0 डोंट केयर 1 0 डोंट केयर 0 0 1, ओके। इतना किसी को डाउट नहीं, ओके। अब हमारे एस और आर दोनों के लिए बनेगा के मैप, राइट। तो 4S एंड 4R, टू वेरिएबल ही बनेगा, डी क्यू एन 0 1 0 1, 0 डोंट केयर 1 0, ओके सॉरी। और यहां पे क्या आ रहा होगा,
TQN0101, इधर क्या कहा हमारा डोंट केयर 001। तब देखो अगर तुम इसकी वो करोगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ये बन रहा है और यहाँ पे ये क्लबिंग हो रही होगी अलग, और यहाँ पे हम डोंट केयर को करेंगे ही क्यों। डोंट केयर तो हम जब करते हैं भाई जब हमारा वो ग्रुप में आ रहा होता है, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं होती डोंट केयर को करने की। ठीक है, तो अब हमारे इक्वेशन क्या बन रही होगी, यहाँ पे एस किसके इक्वल बन रहा होगा टी क्यू एन बार, राइट, और यहाँ पे आर किसके इक्वल बन रहा होगा टी क्यू एन, इसमें कोई डाउट। अब इसे इम्प्लीमेंट तुम आराम से कर लोगे, कैसे करोगे इसे इम्प्लीमेंट, वही ऐसा फ्लिप फ्लॉप लोगे सिंपल, एस लिया आर लिया, ये क्लॉक हो गई, ये क्यू एन हुआ, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हुआ। टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, और टी क्यू एन हमारा ये है। तो देखो एक तो मैंने यहां से मंगवा लिया, चलो ऐसे करते हैं, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट गया और मैंने यहां पे क्या ले लिया, लेट से इधर हमारा टी आर होगा, इन दोनों का मैंने एंड करा, राइट, और वो एस में जा रहा है, टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सेम अब हम क्या कर रहे होंगे, हमने यहां से क्या लिया है, क्यू एन लिया है, और वो अब इधर जा रहा होगा, ये भी टी है, तो इन्हें हम अलग अलग टी लिखेंगे, तो इसे मैं ऐसे करके टी लिख सकती हूं, राइट, तो ये हमारा क्या हो गया इम्प्लीमेंटेशन, कि हमारा टी फ्लिप फ्लॉप कैसा होगा एस फ्लिप फ्लॉप से, एस आर फ्लिप फ्लॉप से। ओके, अब हमारा लास्ट रहता है एस आर टू जे के। एस आर टू जे के में भी हम सिमिलर कुछ ऐसा सही कर रहे होंगे जैसे हम अब तक करते हुए आए हैं। अब जेके की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे क्योंकि वो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, फिर एसआर की एसआर अवेलेबल है तो उसकी फिर हम एक्साइटेशन लिखेंगे। तो ये तो सीधे लिख देते हैं, अब तो मैं भी लिखनी आ गई होंगी। यहाँ पे क्या करेगा, टॉगल करेगा, राइट, अब एसआर की वही अब तक तो हमें लिख लोगे तुम ये पूरी भी, राइट, अब ये हमने किससे लिखी सोच रहे होगे तुम लोग, है ना, इसका क्या बताया था, बस ये देखा 00 का है तो एस 0 होगा, आर डोंट केयर होगा, इतना समझ में आया। अब हम एस और आर के लिए क्या लिख लेते हैं, अपनी के मैप, देखो अब ये सारी कन्वर्जन्स पूरी हो गई हैं, इसके बाद कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, हमारी टोटल 12 कन्वर्जन्स है और 12 की 12 पूरी हो गई हैं, 0 डोंट केयर 00, 1 डोंट केयर 10। ओके, अब ग्रुप बनाए हम, ठीक है, अब देखो ग्रुप्स क्या क्या बन रहे होंगे, एस में यही बन रहा होगा तो एस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, जे हमारा सेम है, के हमारा 0 से 1 चेंज हो रहा है और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमारा सेम आ जाएगा, राइट। ओके, आर के लिए देखें, आर के लिए ये दोनों, तो आर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, के क्यू एन, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अब आराम से कर लोगे तुम लोग, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी इसकी, एस आर गिवन था हमें, एस आर क्लॉक क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। अब तो फ्लिप फ्लॉप में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए तुम्हें बिल्कुल भी, के क्यू एन चाहिए हमें तो मैंने क्यू एन यहां से लिया, और भी करना है ना, नहीं सिंपल क्यू एन चाहिए,
के क्यू एन का मैंने एंड कर दिया और उसे मैंने आर को दे दिया। अब जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैंने क्यू एन कॉम्प्लीमेंट यहां से लिया और यहां पे इसको और क्या दिया, जे दिया, दोनों का एंड कर दिया और उसे मैंने एस तक दे दिया। तो ये मेरी क्या हो गई, कि मैं अपने एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके में कैसे कन्वर्ट कर रही हूं। अब हमारी सारी कन्वर्जन्स हो चुकी है, हमने जेके टू एसआर डी टी कर लिया है, एसआर टू जेके डी टी कर लिया है, डी टू एसआर जेके टी कर लिया है। होप सो आप सबको ये समझ में आया हो कि हमने कैसे कैसे करा। अगर कोई भी दिक्कत हो बस थोड़ा पीछे करना और देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। कोशिश करोगे, दोबारा देखोगे, नहीं आ रहा दोबारा देखो, एक और बार देखो, समझ में आ जाएगा आराम से। और कोशिश यही करना, दो तीन देखने के बाद फिर सारे फ्लिप फ्लॉप तुम खुद से बनाओ। ओके, अगर तुमने सारे देख भी लिए तो कोई नहीं, अब एक और बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो एक्साइटेशन टेबल लिखने में जो मेरी स्पीड आ रही थी तुमने देखा होगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखने में आ रही थी वो तुम्हें भी लानी है। ओके, सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।